HDFC सिक्योरिटीज एक ऐसा नाम जो स्टॉक मार्केट में विश्वास के साथ देखा जाता है क्योंकि बैंकिंग बैकग्राउंड से आता है। लेकिन क्या करें, स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री इतनी कंपेटिटिव हो चुकी है कि फुल सर्विस मॉडल पर टिकना काफ़ी मुश्किल हो चुका है। इट्स अ चॉइस, हर एक ब्रोकर का अपना चॉइस है कि उसका बिजनेस मॉडल कौन सा होना चाहिए। अब HDFC सिक्योरिटीज ने भी सोचा है कि वो डिस्काउंट ब्रोकिंग मॉडल में अपना हाथ आजमाना चाहेंगे, ट्राई करना चाहेंगे और आने वाले कुछ समय में एक मार्केट का शेयर अच्छा खासा उठाना चाहेंगे। किस तरह से ये प्लान हो रहा है, क्या ये करने वाले हैं, इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की तारीख में HDFC सिक्योरिटीज के पास हैं 638,457 क्लाइंट्स, 3.38% का ओवरऑल मार्केट शेयर बनता है। अगर हम टोटल मार्केट में जितने भी ट्रेडिंग एक्टिव क्लाइंट्स हैं उनके साथ इसका बेंचमार्किंग करें। अब 3.5% के मार्केट शेयर के साथ HDFC सिक्योरिटी जैसा बड़ा ब्रांड अगर एसोसिएट करेगा तो मुश्किल आएगी। लेकिन हर एक पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर का या हर एक कंपनी का अपना एक तरीका होता है, अपना एक बिजनेस मॉडल होता है। ये ब्रोकरेज थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते रहे हैं आज तक, और काफ़ी बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो फुल सर्विस मॉडल में अभी भी हैं और उस मॉडल के साथ साथ अच्छा खासा रेवेन्यू पर ट्रेडर या पर इन्वेस्टर कमाते हैं। इसमें नंबर ऑफ क्लाइंट्स रिलेटिवली बाय टाइम इनके कम हो जाते हैं, लेकिन उनका एवरेज वैल्यू जो, या एवरेज एक तरीके से ARPU जो होता है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, वो ज़्यादा रहता है डिस्काउंट ब्रोकर्स के कंपैरिजन। बट इंडस्ट्री है, टफनेस आएगी, कंपटीशन आएगा, कुछ ना कुछ लेवल पे प्राइस वॉर्स खेलनी पड़ेंगी। और अब HDFC सिक्योरिटीज ने सोचा है कि आने वाले कुछ समय में वो एक डिस्काउंट ब्रोकिंग का मॉडल भी लॉन्च करने वाले। HDFC सिक्योरिटीज के नंबर्स की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, पिछले साल के क्वार्टर में 94.9% का ग्रोथ देखा है इस कंपनी ने इन टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट। तो अच्छा खासा पैसा भी कमा रही है अगर हम इस कंपनी के स्पेसिफिकली नंबर्स की बात करें, पैसों की बात करें तो 260.6 करोड़ के नंबर्स के साथ नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में रहा है, जून के जो लेटेस्ट 2021 का था। टोटल इनकम की बात करें तो उसमें भी 67.3% का जंप देखा है ईयर ऑन ईयर, जहाँ पे 273.7 करोड़ रुपीस था पर ईयर का, अभी जाके 457.8 करोड़ रुपीस पर ईयर हो चुका है। 215 इनकी ब्रांचेस हैं 150 के करीब शहरों में। तो दोस्तों, जहाँ तक फुल सर्विस मॉडल की बात है, वहाँ तक HDFC सिक्योरिटीज ने अभी तक अच्छा काम किया है। पुरानी कंपनी है, 20-21 साल हो चुके हैं मार्केट में, लेकिन अब मार्केट में कॉम्पिटिशन है तो कुछ ना कुछ मूवमेंट करनी पड़ेगी। अगले 2-3 साल में ये अपने करीब 3.5% के मार्केट शेयर को उठा के लेके जाना चाहते हैं। अब देखिए, डिस्काउंट ब्रोकर्स भी कितना अलग गेम खेलते हैं, वो वॉल्यूम पे गेम खेलते हैं, मतलब आपसे कम ब्रोकरेज लेंगे। आप जाएंगे उनके पास, एक नॉर्मल ट्रेडर इन्वेस्टर जाएगा कि पैसा कम है, एक बिगनर भी जाएगा कि पैसा कम देना पड़ेगा, और उस चक्कर में बहुत सारे ट्रेडिंग क्लाइंट्स वॉल्यूम पे एक तरह से स्टॉक मार्केट में अपने जेब में कर लेते हैं ऐसे डिस्काउंट ब्रोकर, और ओवरऑल मार्केट शेयर भी उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ज़ेरोडा का मार्केट शेयर 19.7% है, ये हम पहले भी एक वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो कहाँ पे 3.5% से कम, कहाँ पे 19, मतलब एक तरीके से 600% ज़्यादा मार्केट शेयर है, 6 गुना मार्केट शेयर ज़्यादा है टॉप के डिस्काउंट ब्रोकर के पास एज़ कम्पेयर टू HDFC सिक्योरिटी, जो कि अपने आप में एक बड़ा नाम रहा है, बैंकिंग में बहुत बड़ा नाम है और सिक्योरिटीज मार्केट में। तो दोस्तों, आने वाला समय बताएगा जब भी इसका एक तरीके से ब्रोकिंग मॉडल लॉन्च होगा, प्राइसिंग लॉन्च होगी, आप तक सबसे पहले पहुंचेगी, क्योंकि अ डिजिटल ब्लॉगर पे स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री का कुछ भी होता है सबसे पहले आपके पास पहुंचता है, और ये केस में भी ऐसा ही होगा। अभी के लिए इतना ही, जो लेटेस्ट अपडेट आया आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।